Power. पावर क्या है? अक्सर हम अपनी लाइफ में पावर और एनर्जी को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि पावर और एनर्जी डिफरेंट है। दो लड़के हैं, एक ए एक बी, राइट। अनिल सर ने कहा चलो मैदान के चक्कर लगाओ, करेक्ट। पहले वाले ने 10 मिनट में 4 चक्कर लगा लिए और फिर थक के एक तरफ बैठ गया। दूसरे वाले ने 10 चक्कर लगा लिए लेकिन लगाया 1 घंटा। पहले वाले ने 4 चक्कर लगा लिए 10 मिनट में, दूसरे वाले ने 4 चक्कर लगाए आधा घंटे में, लेकिन अगले आधा घंटे और चलता रहा हूं 1 घंटे तक। काम किसने ज्यादा किया? सेकेंड वाले ने। पहले वाले ने कम किया, सेकेंड वाले ने ज्यादा वर्क किया। सेकेंड वाले की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन पहले वाले ने जितना भी किया, जो भी किया, वो फास्ट कर लिया, कम टाइम में कर लिया। उसने कम किया लेकिन जल्दी टाइम, इसकी पावर ज्यादा है। एनर्जी कम है, पावर ज्यादा है। एक तीसरा लड़का आया, उसने 10 चक्कर 10 मिनट में काट लिए, इसकी पावर भी ज्यादा है और एनर्जी भी ज्यादा है। एनर्जी का मीनिंग हो गया कि टोटल वर्क कितना कर सकती है कोई भी बॉडी या कोई भी मैकेनिज्म, टोटल कितना वर्क कर सकता है, या इस मैकेनिज्म को इसकी प्रेजेंट स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में लाने के लिए कितना वर्क इसके ऊपर किया गया है। और पावर का मीनिंग है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी के साथ किया जा सकता है, या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय एन अप्लायंस, बाय मशीन। एक छोटे सी एलईडी है 10 वाट की, एक बड़ी एलईडी है 50 वाट की। जो 10 वाट की एलईडी है वो 10 जूल एवरी सेकेंड कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ लाइट और कुछ हीट। और जो 50 वाट की एलईडी है बड़ी, वो 1 सेकेंड में 50 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रही है इनटू लाइट एंड हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी पावर ज्यादा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पर सेकंड कितना वर्क किया जा रहा है, 1 सेकंड में कौन कितना वर्क कर रहा है, दिस इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हेडिंग डालते हैं आप पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द डेसिपेशन, द रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन अप्लायंस और मशीन, फ्रॉम एन अप्लायंस और मशीन, फ्रॉम एन अप्लायंस और मशीन इज कॉल्ड पावर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट। वॉट, तो 1 वॉट किसे कहते हैं? 1 वॉट ऑफ पावर कितनी है? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर डालती है, या कोई अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी डेसिपेट करता है, कन्वर्ट करता है, तब हम कहेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट है। पावर पी इज इक्वल टू होता है dW/dt, जूल पर सेकेंड और वॉट। कितना वर्क किया, कितने टाइम में किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt, या डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझे बात? लिखिए, इतना लिखिए।
when an agent or source does 1 joule of work in 1 second, or when an appliance dissipate 1 joule of energy in 1 second. Its power is 1 watt. Its power is 1 watt. The larger unit of power are kilowatt, which is equals to what? 100,000 watt, और इसके ऊपर मेगावाट आता है. मेगावाट का मीनिंग होता है 10^6 watt. एक और उसकी यूनिट होती है जिसे हम यूज करते हैं, जिसे वर्ड बोलते हैं, हॉर्स पावर. हॉर्स पावर या शॉर्ट फॉर्म में HP, ये होता है 746 वाट के इक्वल. 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट. छोटी सी डेरिवेशन है. रिलेशन ऑफ पावर विद फोर्स. पावर की फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल छोटी सी डेरिवेशन है. पावर इक्वल्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, dW/dt. वर्क कितना होता है बताइए? वर्क होता है फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. इफ एफ वेक्टर पैरेलल एस वेक्टर, तो फिर एफ डॉट एस कितना होगा? एफ एस कॉस 0, मतलब एफ एस. करेक्ट. अब पी इक्वल्स कितना बनेगा बोलिए? d/dt एफ एस. और आपको पहले बताया था कि वर्क के इस फॉर्मूले में फोर्स हमेशा कांस्टेंट हुआ करती है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है. एफ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. ds/dt जरा बताना तो सही, ds/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी. तो पावर इक्वल्स फोर्स इंटू वेलोसिटी जूल पर सेकेंड. ये रिलेशन आ गया किसका? पावर का, फोर्स और वेलोसिटी के साथ में. सिंपल सा है, इजी सा.